Today the topic of our discussion is adjective. Before adjective, just to remind you, we have already discussed the cases of nouns and pronouns, and we define noun as the naming words, and the pronouns are the words which are used in place of nouns. Now today we have the adjectives, and adjectives are defined as the words which are used to describe the nouns or the pronouns. Let us start with the adjectives. For example, if we say Ali is a good boy, here the word good is describing the word boy, so that means it is adjective, and here we have the case of a noun. So all those words which are used to describe nouns, they are termed as the adjectives. Now here we have the two normal cases of the adjectives, or we can say in do tarikon se hum adjectives ko use karte hain apne sentences ke andar. First is the attributive use of adjective, aur iske liye simple se jo formula hai wo aap yaad rakhiye ki when the adjective and noun they come in pair, that means adjective which is describing a noun, they are coming together, to hum kehte hain ki ji ye attributive use ho gaya adjective ka. On the other hand, dusra tarika jo hamare paas hai adjective ka use karne ka, wo ye hai ki jis noun ko adjective describe kar raha hai, that is actually a part of predicate. Or agar hum thoda sa isko minutely understand karne ki koshish kare, agar hum yahan se ye adjective remove kar de to hamara predicate jo hai wo incomplete ho jata hai. So if we write the adjective here, तो फिर हमारा sentence या हमारा predicate जो है वो complete होगा. तो अगर adjective इस तरह से use हो कि वो predicate के लिए necessary हो और उसके बगैर predicate complete ना हो, तो हम कहते हैं कि ये predictive use है adjective का. As we have seen the usage of adjective, now we are going to discuss the types of adjectives. पहली type जो हम discuss करने जा रहे हैं, that is the adjective of quality, और इसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं. स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि मेजॉरिटी ऑफ द एडजेक्टिव दैट वी यूज दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी. जितने भी डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स हैं, जितने भी क्वालिटीज हम शो करते हैं नाउंस के लिए, वो सब के सब इसमें आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोल्ड, इंटेलिजेंट, ब्लू. अब आप ये देख लीजिए कि अगर इनके साथ यहाँ हमारे पास कोई वर्ड हमने लिखने हो, कोल्ड वेदर, इंटेलिजेंट बॉय, ब्लू स्काई, अब ये सारे के सारे जो वर्ड्स हम यहाँ बाद में लिख रहे हैं ब्लैंक्स के अंदर, दे आर ऑल नाउंस, और इनकी डिस्क्रिप्शन के लिए जो वर्ड्स आ रहे हैं वो सब के सब एडजेक्टिव्स होंगे. और ये इसी तरीके से नॉर्मली एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं, और इन सारे एडजेक्टिव्स को हम जो पहली कैटेगरी है एडजेक्टिव्स की, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने जब नाउन्स का केस डिस्कस किए थे, तो वहां हमने दो टाइप्स ऑफ नाउन डिस्कस किए थे. एक थे काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल नाउन्स थे, और हमने अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए ये बात की थी, इनके साथ हम क्वेश्चन यूज करते हैं जी हाउ मच का. नाउ द सेम केस इज जब भी हम अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करेंगे, तो उनके लिए हम हाउ मच की बात करेंगे, एंड दैट विल टेल अस अबाउट देयर क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं जी सम राइस, अ लिटिल मिल्क. तो आप ये देख लीजिए कि जो दोनों वर्ड्स हैं, ये हमें क्वांटिटी के बारे में बताएंगे ऑफ दीज टू पर्टिकुलर नाउन्स. तो आपने हमेशा याद रखना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जब भी आएंगे, इनके बाद जो नाउन्स हम यूज करेंगे, दे शुड बी अनकाउंटेबल नाउन्स. ऑन द अदर हैंड, जब हम बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स की, दे आर गोइंग टू टेल अस हाउ मैनी, एज वी आर डीलिंग विद द काउंटेबल नाउन्स. अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल एक यूज की सम की,
अगर हम इस सम के बाद स्टूडेंट्स लिखते हैं तो वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि जो वर्ड स्टूडेंट है ये काउंटेबल है इन टर्म्स ऑफ नंबर. तो डिपेंड किस बात पे करेगा कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या नंबर है. अगर हम इसके बाद देखें कि ये काउंटेबल नाउन आ रहा है या अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, तो अगर यहाँ पे काउंटेबल नाउन है दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और अगर यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा. एडजेक्टिव ऑफ नंबर जैसे कि हमने भी देखा थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल भी, इट हैज़ थ्री टाइप्स. पहली है कि इसमें इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, और एज द नेम सजेस्ट दिस आर नॉट गोइंग टू टेल अस अबाउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द नाउन्स. अभी जैसे हमने एग्जाम्पल एक लिखी थी जी, सम स्टूडेंट्स, तो ये सम जो है दैट डज नॉट टेल अस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, सो इट इज गोइंग टू बी एन इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव. ऑन द अदर हैंड अगर हम इसके साथ लिख देते हैं जी 10 स्टूडेंट्स, नाउ एज वी कैन से ये हमारे पास एग्जाम्पल होगी डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव. क्योंकि जो वर्ड 10 है दैट इज टेलिंग अस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स. डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव अगेन इज ऑफ टू टाइप्स. एक को हम कहते हैं कि जी ये कार्डिनल्स होते हैं, एंड द सेकेंड वन इज द ऑर्डिनल्स. कार्डिनल इट टेल्स अस अबाउट द नंबर, एंड ऑर्डिनल इट टेल्स अस अबाउट द ऑर्डर ऑफ द नाउन. फॉर एग्जाम्पल ही गॉट द फर्स्ट पोजिशन, और ही वॉज द सेकेंड पर्सन टू अराइव. तो जो 1, 2, 3, 4 है ये कार्डिनल्स हैं, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ दे आर टर्म्ड एज द ऑर्डिनल्स. तीसरी टाइप जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर की है दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव. और अगर आपको याद हो जब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का केस पढ़ा था तो वहां जो हमने एग्जाम्पल ली थी वो ये थी, ईच ऑफ द बॉयज हैज टू डू इट. जब भी हम नाउन से इन वर्ड्स को ईच, ईदर और नीदर, इनको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या सिंगल आउट करने के लिए यूज करेंगे, एंड इफ देर इज अ फ्रेज बिटवीन देम तो ये प्रोनाउन का केस होगा. लेकिन अगर हम इस वर्ड को अलॉन्ग साइड इट्स नाउन यूज करते हैं, ईच बॉय हैज टू डू इट, तो ये हमारे पास केस हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव का. तो आपने याद रखना है कि अगर ये तीनों वर्ड्स अपने नाउन्स के साथ यूज होंगे सेंटेंसेस के अंदर, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ईदर स्टूडेंट has done it. तो अगेन जब भी ये दो वर्ड्स इकट्ठे आ रहे हैं, इधर इज कमिंग अलॉन्ग इट्स नाउन, तो हम कहते हैं कि जी ये डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया. लेकिन अगर इनके दरमियान में कोई और फ्रेज आ रही है तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्रोनाउंस हो जाएंगे. उसके बाद जो हमारे पास चौथी टाइप है एडजेक्टिव की दैट इज कॉल्ड डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोंस्ट्रेटिव के केस में भी स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो जब हमने प्रोनाउन का केस डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि दिस इज माय बैग. और डेमोंस्ट्रेटिव हम किसको कहते हैं, डेमोंस्ट्रेटिव मींस वो वर्ड जो सेंटेंस में प्रेजेंट सेंटेंस को पॉइंट आउट करेगा. तो ये जो केस था ये था प्रोनाउन का केस, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन. अगर इस सेंटेंस को हम इस तरीके से लिखें, दिस बैग इज माइन, तो जब ये वर्ड दिस अपने नाउन के साथ अटैच हो गया यहां भी ये केस हो जाएगा डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एज इट इज कमिंग अलोंग इट्स नाउन. और ये जो वर्ड हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो तो ये पोजेसिव प्रोनाउन का केस हो जाएगा. इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आती है एडजेक्टिव की दैट इज
the emphasizing adjective. Emphasizing adjective simply means वो adjectives जो noun को emphasis करने के लिए use होगी. For example, हम कहते हैं जी he is the very boy who has stood first. यहाँ students अगर हम देखें तो हमारे पास जो noun है that is boy, और इसको emphasize करने के लिए जो word very है वो use हो रहा है. तो here the word very is used as an emphasizing adjective. Normally जो word very है वो as adverb use होता है most of the cases, लेकिन बहुत रेयर केसेस है जहां ये अपने नाउन्स के साथ आएगा तो इसको हम कहेंगे कि ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. नेक्स्ट टाइप एडजेक्टिव की हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं. ये वो वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होंगे बट दे ऑल्सो कम अलॉन्ग साइड देयर नाउन्स. सो यहाँ पे हमारे पास तीन वर्ड्स हैं हुज विच एंड व्हाट. अगर इनके साथ हम इनके नाउन्स अटैच कर दें, फॉर एग्जांपल इफ वी से हुज बैग इज दिस, विच वे लीड्स टू द कॉलेज, व्हाट मैनर इज दिस. देख लीजिए कि इन तीनों वर्ड्स के साथ जो नेक्स्ट वर्ड हम ऐड कर रहे हैं दे आर ऑल नाउन्स. तो जब इन तीनों वर्ड्स को हम इनके नाउन्स के साथ अटैच करेंगे इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विल टर्म देम एज द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. और अगर आपको याद हो जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन्स थे वो भी यही वर्ड्स हैं, लेकिन उनका यूज अगर हम हुज़ की बात करते हैं इसी सेंटेंस को अगर हम इस तरीके से लिखें हुज़ इज दिस बैग, तो ये जो केस होगा हुज़ का ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा. आप दोनों का कंपैरिजन दे सकते हैं कि हुज़ यहाँ पे अगर अपने नाउन के साथ आ रहा है तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, बट इफ इट इज़ नॉट यूज अलॉन्ग साइड इट्स नाउन तो फिर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास जो एडजेक्टिव है दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर एडजेक्टिव. ये इतना ज़्यादा यूज होने वाला नहीं है बट डेफिनेटली इट इज़ यूज. प्रॉपर एडजेक्टिव सिंपली याद रखिएगा स्टूडेंट्स वो एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन्स से हम बनाते हैं उनको हम कहते हैं कि वो प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू से पाकिस्तान, और अगर इसके साथ हमने कोई नाउन ऐड करना हो तो वी कैन नॉट राइट पाकिस्तान म्यूजिक, वी हैव टू ऐड दिस आई हियर पाकिस्तानी म्यूजिक. तो ये पाकिस्तान प्रॉपर नाउन था, उसके साथ जब हमने कोई नाउन की डिस्क्रिप्शन के लिए वर्ड ऐड करना चाहा तो हमने ये आई यानी कि पाकिस्तानी इसको बना दिया, दैट मेक्स इट अ प्रॉपर एडजेक्टिव. तो डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आर कंक्लूडिंग आर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. हमने देख लिया कि हमारे पास एडजेक्टिव क्या होता है, उसके यूजेज क्या होते हैं और उसकी टाइप्स क्या होती हैं. सिंपली ये बात याद रखने की है कि एडजेक्टिव्स आर द ओनली पार्ट्स ऑफ स्पीच विच आर यूज टू डिस्क्राइब द नाउन्स एंड द प्रोनाउन्स. थैंक यू वेरी मच.